बीएसपी सफ्ते जारी कर सकती है प्रत्याशियों की लिस्ट। पिछले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को मिलेगा टिकट। 2 लाख से ज्यादा वोट पाने वालों को बीएसपी देगी टिकट। जिस सीट पर प्रत्याशी नहीं मिलेंगे वहां लड़ सकते हैं कोऑर्डिनेटर। ज्यादातर दावेदारों की लिस्ट बीएसपी अध्यक्ष के पास पहुंची है, तो जिस लिस्ट पर प्रत्याशी नहीं होंगे वहां कोऑर्डिनेटर ही लड़ेंगे। और ज्यादातर दावेदारों की लिस्ट जो है बीएसपी अध्यक्ष के पास जा पहुंची है। और 2 लाख से ज्यादा वोट पाने वालों को बसपा टिकट देगी। तो ये बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही। पिछले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को टिकट मिलेगा और इसी हफ्ते जो है बसपा की ओर से टिकट जारी किया जा सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद आसिफ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गया। आसिफ, अगर हम बात करें बसपा की, तो बसपा ने अकेले चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अगर बात करें छोटे गठबंधन, छोटे छोटे दलों की, तो उनकी ओर से भी अभी बसपा के साथ गठबंधन करने को लेकर कोई पहल नहीं की गई है। जी बिल्कुल, जो ही बता दूं कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है। मास्टर प्लान यह है कि जो मुस्लिम बाहुल सीटें हैं वहां से बसपा सुप्रीमो मायावती अपने प्रत्याशी उतार सकती है, खासकर जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की मजबूत दावेदारी दिख रही, वहां से भी जो है बसपा सुप्रीमो मायावती दांव आजमा सकती है। वहीं दूसरी तरफ सूत्रों का यह भी कहना है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो है बसपा सुप्रीमो मायावती AIMIM से भी गठबंधन कर सकती है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती को यह पता है कि उनके पास दलित वोट बैंक है। अगर मुस्लिमों का एक बड़ा धड़ा उनकी पार्टी में आ जाता है तो कहीं ना कहीं जो है बड़ी सफलता उनके प्रत्याशियों को मिलेगी। और साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो की यह भी नजर है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी और बीजेपी में टिकट बंटवारा चल रहा है, इससे कुछ असंतुष्ट नेता भी उनके पाले में आ सकती है, तो ऐसे लोगों को भी बसपा प्रत्याशी बना सकती है। क्योंकि बीजेपी ने जिन 51 सीटों की घोषणा की है उसमें से जो है 4 ही ऐसे जो है नए प्रत्याशी, बाकी पुराने चेहरों पर बीजेपी ने दांव लगाया है। अगर बात करें बलिया की, तो विधायक सुरेंद्र सिंह जो है कहीं ना कहीं बगावत के सुर दिख रहे हैं, तो ऐसे में उन पर भी बसपा की निगाहें पूरी तरह से टिकी हुई है। कमोबेश यही हाल समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का भी है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी को कई नेताओं ने अलविदा कहा और साथ ही साथ अंदर से खाने से नाराजगी है, ऐसे भी नेताओं पर बसपा सुप्रीमो मायावती अपना दांव लगा सकती है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती इस बार इस लोकसभा 2024 चुनाव में फूक फूक कर कदम रख रही है। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती अन्य चुनाव में लिस्ट प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने में कोई लेट लतीफी नहीं करती थी, लेकिन इस बार जो है बसपा जो है सभी पार्टियों पर, सभी बागी नेताओं पर नजर गड़ाई हुई है। और बसपा को अगर मुस्लिम वोट बैंक मिल जाता है तो कहीं ना कहीं जो है एक करिश्मा भी बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए साबित होगा। जिस तरह से मुस्लिम वोट बैंक भी काफी है यूपी में, और जिस तरफ अगर गठबंधन की तरफ जाता है मुस्लिम वोट बैंक, तो कहीं ना कहीं गठबंधन को सफलता मिल सकती है। और दूसरी तरफ यह भी गठबंधन में दबाव बनाया जा रहा है, सूत्रों का कहना है कि बिना गठबंधन में अगर बसपा नहीं शामिल होती तो कहीं ना कहीं से अधूरा रहेगा, क्योंकि मायावती के पास दलितों का बड़ा धड़ा जो है दलितों का है। और सूत्रों का यहाँ तक भी कहना है कि 25 सीटों को देने के लिए दबाव भी नेता बना रहे हैं इंडिया गठबंधन की में, कि मायावती को अगर 25 सीटें दे दी जाए तब भी जो है इंडिया गठबंधन का भला हो जाएगा। फिलहाल अब सबकी नजर बसपा सुप्रीमो मायावती के प्रत्याशियों पर है कि आखिर लिस्ट कब जारी होगी। हालांकि सूत्रों का यह कहना है कि मायावती ने अपने कोऑर्डिनेटरों के साथ प्लान तैयार कर लिया है और इसी हफ्ते अपने देश तर्रार प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। और मायावती को अभी
कई जिताऊ प्रत्याशियों की खोज भी है। जी जूही जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे, दिल्ली से बड़ी खबर सामने